दार अपनी अपनी कीमत लगाते रहे, यहाँ तक के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह का जो वज़ीर ख़जाना था, कतफीर उसका नाम था और अज़ीज़ उसका लक़ब था। असल नाम कतफीर था और अज़ीज़ उसका लक़ब था और उसको अज़ीज़े मिस्र कहते थे। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और उसके बारे में आता है कि वो बे औलाद था और उसकी बीवी का नाम राइल था बाज़ रिवायतों में, और ज़्यादा मशहूर ये है कि उसकी बीवी का नाम ज़ुलैखा था, और बाज़ ने कहा कि ज़ुलैखा को ही राइल कहते थे। बहरहाल जो भी असल है, तो ज़ुलैखा इसकी बीवी का नाम था और ये बे औलाद था, औलाद नहीं थी। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब इसने हुस्न व जमाल देखा तो इसने ग़ुलाम समझ के नहीं ख़रीदा, या इसलिए नहीं ख़रीदा कि इसको रखें, ख़रीदते हैं और इसको फिर किसी नौकरी पर या मुलाजमत पर रखेंगे या इससे काम काज लेंगे या कोई मुनाफा मिला तो आगे बेच देंगे। नहीं, इसलिए नहीं ख़रीदा था। इसलिए ख़रीदा था कि जिस कदर अल्लाह ने इसको हुस्न व जमाल अता किया है, ये किसी आम घराने का नहीं लगता, ये किसी शाही ख़ानदान का लगता है। और अगर मैं इसको ख़रीद लूँ और ख़रीद कर अपना बेटा बना लूँ तो बड़ा जचेगा और कोई कहेगा भी नहीं कि ये बादशाह का बेटा नहीं है, ये इसने ख़रीदा हुआ ग़ुलाम बेटा बनाया है। अगर मैं इसको ख़रीद कर अपना बेटा बना लूँ तो जिस कदर ये ख़ूबसूरत है और हुस्न व जमाल का मालिक है, हर देखने वाला यही समझेगा कि ये बादशाह का हकीकी बेटा है। अच्छा, इसने क्या कहा? इसने ख़रीद लिया और ख़रीद कर अपने घर ले आया, और घर लाकर कुरान कहता है वक़ाल लज़िश्तराहु मिन मिस्र लिइम्रातिही, कि जिस बंदे ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा तो वो ख़रीद कर जब ले आया तो उसने ला के अपने घर आकर अपनी बीवी से कहा अक्रिमी मसवाहु, कि इस यूसुफ़ की इज़्ज़त और ताज़ीम करनी है और इसको अच्छा खाना खिलाना है और अच्छा लिबास पहनाना है। असा अन यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस यूसुफ़ से हमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है या फिर हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया कि ये वो अल्लाह की तदबीर थी कि एक तरफ जिसको सगे भाई धक्के दे रहे हैं, मार रहे हैं और कुएं में फेंक आए हैं, और उसके बाद काफ़ले वाले जिसको रस्सियों से बांध कर और ऊंट के जानवर के पालान पे रस्सियों से बांध के जिसको मिस्र के बाज़ार में बेचने के लिए ले आए हैं, वो गरीबुल वतन और वो परदेसी यूसुफ़ जिसका देखने को बज़ाहिर कोई वारिस नहीं है, अल्लाह ने फरमाया कि कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, इस तरह हमने यूसुफ़ का ठिकाना मिस्र के अंदर बना दिया है कि वो अब बादशाह के घर में रहता है और बादशाह ने बकायदा हिदायत जारी की है कि इस यूसुफ़ को खाना नौकरों वाला नहीं देना, इसको खाना भी शाही खाना खिलाना है और ये लिबास भी ग़ुलामों वाला नहीं पहनेगा बल्कि इसको लिबास भी शाहाना पहनाना है। तो वो जो समझ रहे थे कि हम कुएं में फेंक देंगे तो शायद हमारी जान छूट जाएगी और ये यूसुफ़ मरमरा जाएगा, और एक तरफ वो काफ़ले वाले जो सिर्फ़ यूसुफ़ की इतनी ही कदर जानते थे कि चंद टकों के बदले
बेचने पर भी तैयार थे। तो अल्लाह ने ऐसे दुर्रे नायाब को पूरे मिस्र का जो बादशाह है उसके घर ठहरा दिया और फिर ग़ुलामी का दाग भी उसके दामन से धो दिया। और वो यूसुफ बादशाह के घर में रहता है, शाही लिबास पहनता है और शाही खाने खाता है। ये अल्लाह की तकदीर है, ये अल्लाह की तकदीर है। अल्लाह ताला, मैं अक्सर ये बात अर्ज़ करता हूँ कि एक वो सोच और वो तदबीर है जो हम अपने बारे में कर रहे होते हैं कि इतने बच्चे हैं, मैं ये कमा लूँ, ये बना लूँ, ये जोड़ लूँ, ये जमा करके रख लूँ, इतना महफूज कर लूँ, इतना फ़लाँ जगह पे लगा दूँ, ये कर लूँ। एक तदबीर हम करते हैं और एक तदबीर वो है जो मेरा मालिक हमारे लिए करता है। और हमेशा मालिक की तदबीर सारी तदबीरों पर गालिब आकर रहती है और वो सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। और वो जो भी तदबीर करता है वो हमारे हक में बेहतर ही होती है, वो कभी भी हमारे ख़िलाफ़ नहीं होती। बाहर कैफ बात आगे चलती है। फरमाया कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इसी तरह मिस्र में ठिकाना दे दिया। और उसके बाद फरमाया वालिनुअल्लिमहू मिन तअवीलिल अहादीस, कि हमने इसके बाद यूसुफ़ को ख़्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया, अपनी जनाब से ख़्वाबों का इल्म अता किया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्री, अल्लाह ताला हर चीज़ पर गालिब है। वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, वो उनको पता नहीं चलता कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर गालिब है। इतनी बात करने के बाद अब रब कायनात ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जवानी का ज़िक्र फरमाया और बकिया हिस्सा क़ुरान पाक के अंदर बयान नहीं किया, क्योंकि क़राइन से ये पता चलता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र में लाकर बेचा गया उस वक़्त आपकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल थी। और 14 से 15 साल की उम्र के बाद अब जो अगली बात क़ुरान पाक ने शुरू की है, इस आयत से पता चलता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र अब जो है वो 30 से 32 साल हो चुकी है। यानी बीच का जो तकरीबन 14-15 साल का अरसा है क़ुरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, क़ुरान पाक ने उसको बयान नहीं किया। जब क़ुरान उसको बयान नहीं कर रहा, अगरचे बाज़ रिवायात मिलती हैं लेकिन मैं अज़ ख़ुद उन पर एतबार नहीं करता कि जब क़ुरान इस चीज़ को बयान नहीं करता तो फिर हमें दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने इसके बाद जो अगली बात यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान की, ये कुछ 14-15 साल का वक्फ़ा करने के बाद बात इरशाद फरमाई कि वलम्मा बालगा अशुद्दहू, कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी पुख्ता उम्र को पहुंच गए, अब पुख्ता उम्र से उलमा ने ये अंदाज़ा लगाया कि मुराद 30-32 साल है, तो फरमाया आतैनाहु हुक्मं व इल्मा, तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उम्र के पक्के हिस्से में पहुंच गए, पुख्तगी को पहुंच गए, तो हमने यूसुफ़ को हुक्म और इल्म अता फरमाया, यानी हिकमत, दनाई, समझदारी, फ़हम व फरासत और अपना ख़ास इल्म अता किया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। वकज़ाली का नजज़िल मुहसिनीन, और नेकी करने वालों को हम ऐसे ही जज़ा अता करते हैं। अब जो वाक़या पेश आया आगे, ये इल्म, दनाई और हिकमत देने के बाद ये वाक़या आया, और ये आप इस पर तवज्जो रखें और इस पर बड़ी बात समझ आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया वरा वदत हुल्लती हुआ फ़ी बैतिहा अन्नफ़सी, कि वो औरत के जिसके घर में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहते थे, वो औरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बहकाने लगी। अल्लाह अकबर, वो औरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बहकाने लगी।
وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے دروازہ بند کیا۔ غلقت الابواب، باب کی جمع ابواب ہے، اس کی تفصیل میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے خفیہ کمرے میں لے گئی کہ 7 دروازوں سے گزر کے جس کمرے میں جانا پڑتا تھا، اور جوں جوں وہ دروازے گزرتی جا رہی تھی وہ دروازوں پر تالے لگاتی جا رہی تھی، اور جب وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی تو وہاں جا کر اس نے قالت ہیت لک، اور وہاں آ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ اور برائی کی دعوت دی۔ قال، یوسف علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، یہ جواب سننے کے لائق ہے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے اس آفر پر، بہکانے پر جواب ارشاد فرمایا، معاذ اللہ، پہلا جواب، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لیا کہ اللہ کی پناہ کے بغیر اور کوئی ایسا چارہ نہیں، اور کوئی ایسی چھاؤں یا اوٹ نہیں ہے جو انسان کو گناہ سے محفوظ کر سکتی ہو۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلی بات کہی کہ جب وہ گناہ پر مائل کر رہی تھی تو کہا کہ معاذ اللہ، سب سے پہلے تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ انہو ربی، دوسرا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرا پالنے والا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے۔ اور تیسرا فرمایا، احسن مثوایا، اور اس نے مجھے بڑی اچھی رہائش عطا کی ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ 3 باتیں یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے اس سوال اور اس مطالبے کے جواب میں کہیں۔ یہ قابل غور بات ہے۔ یاران گرامی، دیکھیں، جب آپ کسی کے گھر میں رہتے ہوں، کسی کے ہاں کھاتے پیتے ہوں، کسی کا دیا ہوا کپڑا پہنتے ہوں، اسی کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہوں، اسی کے گھر میں رہتے ہوں، تو اس کے کسی بھی مطالبے سے انکار کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اگر آپ کو قتل کرنے کا بھی کہے کہ فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، تو قتل کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے اور اس سے انکار کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جذباتی ہو کے کہتے ہیں، جی آپ نے مجھے کھانے کو دیا، رہنے کو دیا، آپ کے لیے جان بھی قربان ہے، میں یہ کام بھی کر گزروں گا، قتل بھی کر دوں گا، قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت معابی پر، آپ کی پاک دامنی پر، کہ آپ ان کے گھر رہتے ہیں، ان کا دیا لباس پہنتے ہیں اور ان کا دیا کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے باوجود جب وہ گناہ پر آپ کو بلاتی ہے تو آپ کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ جوانی کا بالکل جوبن ہے، اور نوجوانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ میں یوسف ہوں، اور وہ یوسف کے جس کے حسن و جمال کا پورا زمانہ دیوانہ ہے، اور وہ حسن و جمال کا پیکر یوسف جوانی کے جوبن پر جب اس کو گناہ پر آمادہ کیا گیا، اور آمادہ بھی ایسے گھرانے کی طرف سے کیا گیا جو اس کو کھانے کو بھی دے رہا تھا، پہننے کو بھی دے رہا تھا، تو یوسف نے ایسے ماحول میں بھی اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، خدا کے حکم کو ایسے ماحول میں بھی پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی، کہ وہ میرا رب مجھے پالنے والا ہے، اور جس نے مجھے پالا ہے، جو میرا پالنے والا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں۔ میرا رب مجھے پالنے والا ہے،
ये जवाब क्यों इरशाद फरमाया? क्योंकि जो पालता है तो इंसान पर हक बनता है कि वो उसकी बात माने, उसकी बात तस्लीम करे, खाने को जो दे रहा है। और अक्सर ये जुमला कहा जाता है, जिसका खाएं उसी का गाएं, जिसका खाएं उसी का गाएं। ये उसूल है ज़माने का कि जिसका खाया जाता है उसी के गुण गाए जाते हैं। तो रब अल्लाह की वो ज़ात है कि जो हमें उस वक़्त भी पाल रहा था जब हम माँ के पेट में थे, ना हम अपना हाथ हिला सकते थे ना मुंह हिला सकते थे, वो रब ने उस वक्त भी हमारे रिज़्क़ का इंतज़ाम किया। और जब हम पैदा हो गए, विलादत हो गई, तो हमें अपनी भूख का भी शऊर नहीं था, पता ही नहीं था कि हमें भूख भी लगती है या नहीं लगती। उस वक़्त भी उस रब ने हमें हमारे रिज़्क़ का इंतज़ाम किया। तो जिस रब ने हमें पहले दिन से लेकर आज तक पाला है, उस रब का हम पर हक बनता है कि जो वो हमें हुक्म दे हम उस पर अमल करें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नहु रब्बी, मैं अपने रब की पनाह में आता हूँ कि जिसने मुझे पाला है, कि उस रब ने मुझे इस बुराई से दूर रहने का हुक्म दिया है। और तीसरा फरमाया कि इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कि ये अमल करके मैं ज़ालिम बन जाऊँगा, और ज़ालिम कभी भी कामयाब नहीं होता है, ज़ालिम कभी भी कामयाब नहीं होता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कभी ज़ालिम आदमी कामयाब नहीं होता। और ज़ुल्म का माना क्या है? ज़ुल्म का माना उलमा ने लिखा कि किसी शय को ऐसी जगह पर रख देना कि जो उसकी जगह ही नहीं है, किसी शय को ऐसी जगह पर रखना जो उसकी जगह नहीं है, जो उसका महल नहीं है, उसको वहाँ रख देना, इसको ज़ुल्म कहा जाता है अरबी लुगत के अंदर। और ये हम ज़ुल्म और ज़्यादती, जो हम इस लड़ाई झगड़े को या मारपीट को भी ज़ुल्म कहते हैं, ये भी इसी माने में है कि वो हकदार नहीं था लेकिन उसको मारा गया, वो सज़ा का हकदार नहीं था उसको फिर भी मारा गया, सताया गया, तो ये उस पर ज़ुल्म किया गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिम कभी कामयाब नहीं होता। और गुनाह करना, ये ज़िना के करीब जाना और ज़िना आमेज़ बातें करना, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अगर ये करूँगा तो मैं ज़ालिम हो जाऊँगा, और ज़ालिम कभी कामयाब नहीं होता। तो इसका साफ मतलब ये है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं ज़ालिम नहीं बनूँगा, और मैं ज़ालिम नहीं बनूँगा तो अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाएगा। तो अपने आप को, अपनी जवानी को गुनाह से महफूज कर लेना, अपनी जवानी को गुनाहों की दलदल से निकाल लेना, अपने आप को गुनाह के करीब भी ना जाने देना, ये एक ऐसी कामयाबी है कि जो इंसान को दुनिया में भी कामयाब कर देती है और आखिरत में भी कामयाब कर देती है। कुरान पाक इस मज़मून को बयान करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है, आगे चलते हैं और मैं बात को बस समेट रहा हूँ। फरमाया वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, कि जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर गालिब हो रही थी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गुनाह करने का वो पक्का इरादा कर चुकी थी, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उससे बचने का पक्का इरादा कर चुके थे, उस वक़्त क्या हुआ? लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर यूसुफ़ अपने रब की दलील न देखते तो शायद वो इस मामले में साबित कदम ना रह पाते। तो रब के फजल और रब के करम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साबित कदम रखा और वो इस गुनाह से महफूज रहे। बुरहान रब्बी जो है कि रब की दलील ना देखते, इसके बारे उलमा ने लिखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब वो वरगला रही थी कि अचानक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और गुस्से से अपनी उंगलियां दांतों में चबाते हुए आ रहे हैं और एक हाथ से इशारा कर रहे हैं, यूं गुस्से से, जलाल से, द
दौड़ते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे हैं और आप बिल्कुल पीछे हट गए और कहा कि मैं कभी इस गुनाह के करीब भी नहीं जाऊंगा। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहां से दौड़ निकले। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब आप कमरे से निकले हैं, जबकि जब वो औरत दाखिल कर रही थी कमरे में, तो एक एक दरवाज़े को ताला लगाया जा रहा था, लेकिन जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस गुनाह से बच कर निकल रहे हैं, हर दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तमाम दरवाजे पार करके बाहर आ जाते हैं। यारान गिरामी, बात अपने बिल्कुल खुलासे पर आ चुकी है। दो बातें यहाँ मैं काबिले ज़िक्र समझता हूँ। सबसे पहली बात ये कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने आके इशारा किया, हालांकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहले भी कोई मायल हो नहीं रहे थे, माज़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कोई पहले भी कोई गुनाह करने के यानी कोई तबीयत में नहीं था गुनाह करना। वो पहले कह रहे हैं माज़ल्ला इन्नहु रब्बी, पहले इनकार कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद जो कि अल्लाह के नबी हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका तशरीफ़ ले आना और लाकर मना कर देना, बकायदा रोक देना, ये इस बात की दलील है कि अगर किसी का कुछ साई सर पे कायम हो तो वो उसको गुनाह की तरफ जाने नहीं देता है। अगर किसी का कोई वारिस हो, अगर किसी के सर पे कोई सायेदार हो, कोई साया करने वाला हो, किसी के सर पे कोई हाथ रखने वाला हो, किसी का कोई अगर हादी हो, मुरब्बी हो, किसी का कोई रहनुमा हो, कोई पारसा हो, तो वो फिर उसको गुनाह की तरफ मायल नहीं होने देता। और इस ज़िमन में मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे और मुझे एक मौके पे, बस ये ज़िमनन याद आ गई है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे एक मौके पे कहते हैं कि अभी बड़े हजरत आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि वो आपको बैत की इजाज़त दें। मेरे लिए कह रहे थे कि आपको बैत की इजाज़त दें, तो मैंने दोनों हाथ बांध लिए। मैंने कहा हज़रत, मैं एक निकम्मा और गुनहगार आदमी हूँ और ये महज आजजी नहीं है, ये हकीकत है, और मैं तो इस काबिल नहीं हूँ और मैं ये नहीं कर सकता। तो अगली बात जो उन्होंने इरशाद फरमाई और वो काबिल अमल बात थी और यही बात थी, फरमाया, कहने लगे कि नहीं, पहले काबिल किया जाएगा फिर ही कुछ दिया जाता है, पहले काबिल किया जाएगा फिर ही कुछ दिया जाता है, फिर कुछ दिया जाएगा, और जब नज़र हो जाए फिर अगली बात मुझे समझाई। कहता आइंदा कभी इनकार ना करना, किसी मौके पर भी कोई ऐसी नेमत मिले तो कभी इनकार ना करना, क्योंकि जब ये निस्बत मिल जाती है किसी भी बुज़ुर्ग की, जब आपको निस्बत मिल जाती है तो वो निस्बत फिर ऐसी कामिल हो जाती है कि अगर तहज्जुद का वक्त हो और आप गहरी नींद में सो रहे हों, ना भी उठना चाहते हो, अगर निस्बत मजबूत हो तो वो कंधे से पकड़ के उठा के कहते हैं कि उठ, तेरी हाजिरी का वक्त आ चुका है, हाजिरी का वक्त आ गया है, अभी सोया पड़ा है। फर्ज नमाज का तर्क हो जाना तो दूर की बात है, अगर तहज्जुद भी तर्क हो तो उस पर भी उठा देते हैं कि उठ, तेरी हाजिरी का वक्त कज़ा हो रहा है। तो यारान गिरामी, अपनी निस्बत मजबूत करें, निस्बत मजबूत हो तो वो निस्बत वाले फिर गुनाह की तरफ जाने नहीं देते, बुराइयों की तरफ जाने नहीं देते, वो बुराइयों से रोक लेते हैं और नेकियों की तरफ मायल करते हैं, लेकिन कब, जब निस्बत मजबूत हो। तो पहली बात ये थी कि अपनी निस्बत मजबूत रखें ताकि हम बुराइयों से बचें और इन मौक़ों पर जब शैतान हमले कर रहा हो हम लावारिस ना हों। अगली और आखिरी बात सुने, और ये बात मेरे दिल के बड़ी करीब है कि हज़रत और ये बात पता कि इन्होंने बयान की थी, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जामिया नईमिया के जो बानी हैं डॉक्टर सरफराज नईमी साहब के वालिद माजिद, तो उन्होंने ये बात बयान फरमाई कुरान पाक पढ़ाते हुए, और जिनके सामने उन्होंने बयान की मैंने उनसे सुनी है। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये पढ़ाते पढ़ाते इरशाद फरमाने लगे कि देखो, ज़ुलैखा जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह के इरादे से लेकर जा रही थी
तो हर दरवाज़े पर वो ताला लगाती जा रही है, अगले दरवाज़े पे लगाया, अगले दरवाज़े पे, जिस तरह रिवायतों में आता है कि 7 दरवाज़े थे और हर दरवाज़े पर ताला लगा दिया। उसके बाद अब जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस गुनाह से बच निकले और आपने उस गुनाह से इनकार कर दिया और वापसी भागे हैं, तो आपने ना किसी ताले को तोड़ा ना किसी कुंडी को खोला, वो ताले खुद ब खुद टूटते भी गए और वो कुंडियाँ खुलती भी गईं और दरवाज़े खुलते भी गए। आपने फरमाया इसके अंदर दरअसल बात ये है, असल हिकमत ये है कि जब इंसान गुनाह की तरफ फंस जाए या शैतान जब गुनाह की तरफ इंसान को ले जाए, उस वक़्त जो इंसान कर सकता है गुनाह से बचने के लिए, जो इंसान कर सकता है, जो उसके बस में है, इंसान वो करे, और बाकी जो उसके बस में नहीं है वो अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह अल्लाह खुद करता चला जाएगा। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना जी आपने फलां जगह पर चोरी की, कहते हैं जी मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मुझे मेरे दोस्तों ने मजबूर किया और बस मैं मजबूर हो गया था और मजबूरी के साथ मुझे उनके साथ जाना पड़ा। अच्छा जी कई कभी कहा जाता है आपने शराब पी थी फलां मौके पे, कह रहे जी मेरा तो बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, बस वो शादी का मौका था, सारे दोस्त अहबाब इकट्ठे थे, रिश्तेदार सारे आए थे, बस उन्होंने कह कहवा के बस ऐसे ही मजबूरी में ना धक्के से बस पिला दी। बाज़ दफ़ा हम समझ रहे होते हैं कि अब मैं मजबूर हो गया हूँ, अब ये गुनाह करना मुझ पर लाजिम हो गया चूँकि मैं मजबूर हूँ, और बाज़ दफ़ा हम ये भी समझने लग जाते हैं कि शायद अब मुझे इस गुनाह का कोई अजाब नहीं होगा क्योंकि ये सारे ये मुझे तंग कर रहे हैं, मैं खुद थोड़ी कर रहा हूँ गुनाह, ये दोस्तों के तंग करने की वजह से मैं कर रहा हूँ, तो ये इन पर गुनाह होगा, यही मुझे तंग कर रहे हैं, यही मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। कुरान पाक ने इसका हल बयान कर दिया, कुरान ने हल क्या बयान किया कि हर गुनाह से बचने की कोशिश करो और जितना तुम्हारे बस में है उतना तुम करो और जो तुम्हारे बस में नहीं है वो इंशाल्लाह खुदा ताला करता चला जाएगा। और जब तुम गुनाह से बचने का पक्का इरादा कर लोगे, पक्का इरादा कर लोगे, तो फिर ऐसा सब कुछ होता चला जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, और वो अल्लाह ताला की तरफ से होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में नहीं था कि वो हर ताला खोलते, हर कुंडी खोलते, हर ताला खोलते, उनके इख्तियार में नहीं था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में यही था कि वो अपना दामन छुड़ा के वहाँ से भाग जाते, ये उनके इख्तियार में था, ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किया। और आगे जो यूसुफ़ के इख्तियार में नहीं था वो मेरा रब करता गया और अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पाक दामन बना दिया और उस गुनाह से महफूज कर दिया और पाक दामन बना दिया। यारान गिरामी, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात और गुफ्तगू में हर एतबार से, सियासी एतबार से हो या समाजी एतबार से, माशी एतबार से हो या इक्तिसादी एतबार से, हमारे लिए बड़ी हिदायात हैं, बड़ी रहनुमाइयाँ हैं। और आज की जो सारी गुफ्तगू थी बिलखसूस, वो बिलखसूस नौजवानों के मुतालिक थी कि अपने आप को पाक दामन रखें। आज का जो अफरा तफरी का ज़माना है और आज जो ये बेराह रवि का ज़माना है, अपने आप को गुनाह से बचाना अगरचे बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैंने कई बुज़ुर्गों से सुना कि आज के दौर में अगर आप किसी को अल्लाह का वली कहना चाहते हैं तो जो आदमी इस औरत के गुनाह से महफूज रहा, जिसने अपनी जवानी इस गुनाह से महफूज कर ली, आप समझ जाओ कि ये इस ज़माने का अल्लाह का वली है, ये इस ज़माने का अल्लाह का वली है जिसने इस दौर में अपने दामन को महफूज कर लिया, अपने आप को बचा के रखा। और ख़ुदा की कसम ये इतनी बड़ी नेमत है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, के जवानी में तौबा करना ये अंबिया का खासा है, यानी जवानी में ही गुनाहों से अपने आप को महफूज कर लेना ये नबियों की सिफत है, नबियों का खासा है। और हमें तौबा का ख्याल आम तौर पर बुढ़ापे में जाकर आता है, या हमें तौबा का ख्याल तब आता है
जब हम गुनाह करने पर कादिर नहीं रहते। अब एक आदमी चोरी से तौबा तब करे जब दीवार फलांगने लायक न रहे, तो फिर चोरी से तौबा कर ले कि मेरी तौबा आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। एक आदमी जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाए और फिर कहे कि आज के बाद मैं जिना नहीं करूँगा, तो ये तौबा नहीं है। तौबा ये है कि जब गुनाह करने का इख्तियार हो, मौका हो, और उसके बावजूद सिर्फ इस बात से इंसान डर जाए और पीछे हट जाए कि ना मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरे रब ने इस अमल से मना फरमाया है। और आखिरी बात सुन लीजिए, हदीसे पाक में आता है मेरे करीम आका ने फरमाया, और इस बात को दिल से सुने, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन किसी शय का साया नहीं होगा, सिर्फ अर्शे इलाही का साया होगा। क़यामत वाले दिन किसी और शय का साया नहीं होगा, सिर्फ अर्शे इलाही का साया होगा। और उस वक़्त अल्लाह के अर्श के साये में जिन लोगों को जगह मिलेगी, मेरे मुस्तफ़ा ने सात लोगों का ज़िक्र फरमाया कि सात तरह के लोग हैं कि क़यामत वाले दिन जब कोई साया नहीं होगा तो उन सात तरह के लोगों को खुदा के अर्श के साये में जगह मिलेगी। और उन सात लोगों में एक मेरे मुस्तफ़ा ने ये बयान फरमाया कि जिसको गुनाह का मौका मिले, गुनाह का मौका मिले और वो सिर्फ़ खुदा की रज़ा के लिए उस गुनाह से बच जाए, उस गुनाह से बाज रहे और अपने दामन को उस गुनाह से महफूज कर ले, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ऐसे नौजवान को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये छोटा इनाम नहीं है। आज अगर आप अपनी जवानी महफूज करते हैं गुनाह से तो क्या होगा, इसका इनाम क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कल अल्लाह ताला अपने अर्श का साया तुम्हें अता करेगा, और ये एजाज़ और इनाम होगा। और उस वक़्त और किसी शय का साया मौजूद नहीं होगा, एक ही साया होगा और उस साये में तुम खड़े होगे और सारी दुनिया और सारी इंसानियत तुम्हें देख रही होगी कि ये नौजवान आज खुदा के अर्श के नीचे खड़ा है। और ये जगह इसको इसलिए मिली है कि दुनिया में इसने अपनी जवानी को महफूज रखा है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को और हमारे मुसलमान भाइयों को अपने दामन महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।